सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कई सारे स्टेट्स ऐसे इंडिया के जहाँ पर केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, मतलब कोविड की वैक्सीन आ गई लेकिन अभी भी कई जगहों पर केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो बच्चे मेरे को कह रहे कि सर, जैसे महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन हो गया और भी कई दूसरे स्टेट है, पुणे वगैरह, उधर भी लॉकडाउन हो रहे हैं, मतलब कहीं नाइट कर्फ्यू लग रही है। तो बच्चों कहना है कि सर, ये लॉकडाउन अगर चलता रहा तो क्या सर हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगी? तो गाइस देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है, जब मर्जी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो हालात है उसके अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाएगा, क्योंकि देखो जो केसेस बढ़ रहे हैं वो उतनी जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं, 97% रिकवरी रेट है। तो सोच लो, जितनी जल्दी आ रहा है कोविड पॉजिटिव इंसान, उतनी जल्दी वो रिकवर भी हो रहा है, और वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लोग वैक्सीन लगा रहे हैं और सही भी हो रहे जल्दी, तो बेनिफिट कहीं ना कहीं है। तो मेरे को तो लगता नहीं कि लॉकडाउन वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लॉस हो रखा है, पिछले बार ही इकोनॉमी इंडिया की काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो मेरे को नहीं लगता कि वापस से इस टाइप की कोई डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर कोई डिसीजन होता है तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। लेकिन पोस्टपोन होने का क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम अभी कोई ऐसा लगता नहीं माहौल। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने पॉजिटिव रहेंगे, आपके कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगे, ऑन टाइम एग्ज़ाम होगे। वैसे एग्ज़ाम काफ़ी डिले है तो कोई पोस्टपोन वगैरह की बात नहीं है। तो सभी मोटिवेट रहना, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी टेंशन हो रही तो मुझसे फ्रीली आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, उस पर जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आ सकें घर पर रहो, सेफ रहो।